अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी अच्छे हैं। आज तो सुबह से ही हलचल हलचल मची हुई है। आज भाभी ने पाठ कराना है, लंगर उंगर लगाना। मैंने तो 7 बजे उठ के पोछा उछा सब चीज़ लगा दिया था। फिर मैं अभी 9 बजे उठी हूँ, फिर नहाया है मैंने। अम्मी वो एक जीन्स और एक बीएमडब्ल्यू लेडी शर्ट पता है मुझे, मैंने तो नहा लिया है। इन दोनों को नहाना है, रेहान गया नहाने, वो भी नया नया कपड़ा पहनना है दोनों को, बोला नया कपड़ा निकालने के लिए। मेरी मर्जी का मैं पहनूंगी। मैं निकाल के दूंगी, चुपचाप पहन लेना। देख कपड़ा कैसे फेंक रहा है, उठा के वॉशिंग मशीन में डाल, मशीन में डालो। तो जा रही दोनों का कपड़ा निकालने के लिए अटैची से। बेड भी निकाल दिया इस रूम से, उसी रूम में ही पार्ट करवाना। इसके पापा अभी गए क्योंकि उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, वो भी खो जाइए आज। और इन दोनों को छुट्टी भी करवा दी आज। पाठ चल रहा है, मैं भी वहीं पे बैठी थी बाहर। अरे हाँ, अभी आके बैठ गई मैं वहाँ पे, मेरे गर्दन में दर्द होने लगा बैठी बैठी, पता नहीं क्यों। सारी चीज खाने भी दे दिए रेहान के पापा के लिए, आलू की सब्जी, सलाद है, छोले, रायता और भटूरा। ये तो मैंने अपने इफ्तारी के लिए फूल लेके रखा है, दाल है, चना। अभी पूरे में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खिचखिच खिचखिच कर रहा बहुत। चीज़ होने के बाद सो गई थी और अभी उठी हुई जाके 5 बजे। अक्षा भी अभी सो रही है, मैं और अक्षा एक साथ ही सो गए थे। लड़का को एक मिनट का डर नहीं है ना, वो उसी टाइम भाग गया था 3 बजे। हाँ, और अभी तक नीचे ही है, ऊपर नहीं आया। मार खाने की बहुत ज़रूरत है। और मैंने इधर वो दाल पीस लिया है, चना उना धो के रख लिया, और ये सब्जी भी रख लिया थोड़ा काट उठ के। और वो तरबूजा पपीता जो था सबको काट उठ के रख लिया। अभी जा रही झाड़ू लगाने, वो खिचखिच बहुत कर रहा है। लड़का हो बुला के लेके आती, सारा काम कर लिया, पूरे यहाँ से लेके नीचे सही तक रोड तक पूरा साफ सफाई हो गया, पोछा अच्छा लगा लिया जल्दी जल्दी। और उसके बाद नमाज वमाज पढ़ के अब जा रही हूँ खाना चढ़ाने के लिए। 6 बजने वाला, बस 10 मिनट बाकी है, पहले चना ही चढ़ा दे। चूड़ा भून के रख लिया, थोड़ा सा भून लिया, एक तरफ चावल चढ़ा दिया, एक तरफ चना चढ़ा दिया। चावल इसलिए चढ़ा दिया ना क्योंकि दिन में सबने भटूरा खाया ही है, लंगर लगा था, तो फिर रात में रोटी खाते नहीं, तो इसलिए वो भटूरा है, वो बाकी मैं खा लूँगी रात में। और चावल उन सबके लिए बना दिया। अभी सारी अफसारी खा पे थक जाते, जल्दी जल्दी काम करनी है। वो लिमका रेहान के पापा लेके आए थे रात में, पानी का बोतल फिर से गिर के खुद फूट जाएगा, एक तो फूट ही गया गिर। रेहान ने पिया, रेहान के पापा ने रात में पिया था, इसमें भी उतना बाकी है। अभी फ़ोन करती हूँ उनको आने के लिए, 6:50 हो गए। दोनों नीचे खेल रहे, आएंगे भी नहीं, चिल्ला चिल्ला के थक जाती क्योंकि नहीं आते। तो भेजा अक्षा को बुलाने के लिए, अक्षा आई खा के चली गई, लड़का नहीं आया, उसके पापा बस आ रहे। मैंने नमाज भी पढ़ ली है, कोई नहीं खाता कुछ भी, बेकार बनाती हूँ, कुछ नहीं बनाना मेरे घर से, ये भी नहीं खाएगा, कुछ नहीं बनाऊंगी, बस खजूर से रोज़ा कर लूँगी, वही अच्छा रहेगा, इतना मेहनत भी करना ही करना पड़ेगा, कोई खाता पीता कुछ है ही नहीं। चलिए खाने, छोले भटूरे, इसमें अच्छे से गर्म कर दिया, बहुत गर्म अचार, और ये रायता बहुत खट्टा है, अच्छा है लेकिन खट्टा है। खाना पीना हो गया, और चारी बर्तन धोने, और आलू उलू वाला भी सब्जी बनाने के लिए, छीलने के लिए।
सब्जी बन गई, अंडा फ्राई नहीं किया था मैंने, और अब जा रही खाना देने के लिए। कितना चावल खाना है? जितना बोलोगी उतना ही दूंगी। हाँ। थोड़ा सा चावल। हाँ। अभी मैं खाना खाने वही भटूरा गर्म कर लिया है, उस टाइम खाया नहीं, रख दिया था पेट भरा बहुत। और अक्सा खा रही है चावल, कपड़ा चेंज कर लिया, नमक नहीं है, नमक की छोटी डब्बी लेके आते रहा, जलिया उससे मत मिलता। और ये उसका मुंह, एक थप्पड़ मारा है ना मैंने अभी, तो मुंह फुला हुआ है। मुंह फुला क्यों है बताओ? एक थप्पड़ लगा है ना अभी कनपट्टी में। और आज मैं खाने वाली दो दो मिर्ची, चावल नहीं खाऊंगी। अच्छा कॉम्बिनेशन है, आलू की सब्जी और भरुआ। नहीं ना नमक। मुझे नहीं लग रहा नहीं, नहीं। खाना दो तो खाना तो खाया नहीं है, सूखा लकड़ी और अपने से थाली सजा के लेके आया। बाप रे शौक लगता है ना, तो ऐसा थाली में खाएगा, एक में अंडा, एक में चावल, एक में आलू, एक में भटूरा। तीन भटूरा, तीन का है, दो है ना। अच्छा आधा खा तो सकता नहीं, दिखाने के लिए लेके आया था ना। अगर अगर खा गया तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगी, अगर खा गया सारा चैलेंज। 100 रुपये अगर सारा सपा चट हो गया तो ठीक है। पक्का? पक्का। जल्दी से खा के दिखाओ पूरा। सच में अगर सपा चट हो गया तो मैं 100 रुपये दूंगी आज।